लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स इतना डीमोटिवेट हो गए, बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। अब एक सेमेस्टर के बाद उनका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा कि वो क्लास में नहीं आ रहे हैं। एक जो माफिया, इंटरनेशनल माफिया हायर एजुकेशन पे कंट्रोल करके उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा था, हमारी पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचा के रखेंगे, तो उनको सरकार को मानना पड़ा। कपिल सिब्बल के ज़माने में 6 बिल आए थे पार्लियामेंट, हम लोगों ने लड़के उनको वापस कराया। अब तो अपना मुंह खोलोगे तो जेल में भेज दिया जाओगे। गुंडागर्दी की सरकार गुंडागर्दी कर रही है। जनता को सस्ती और बेहतरीन शिक्षा चाहिए, तभी देश ऊपर उठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी आप मेरे पीछे ये शोर देख रहे होंगे, FYUP वापस करो, FYUP वापस करो। ये DU के छात्र हैं जो ग्रेजुएशन का एक नया सिस्टम आया है FYUP, उसको वापस करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। और लगातार आप पोस्टर देख रहे होंगे FYUP का रिपोर्ट कार्ड, जहां पे ये रिपोर्ट कार्ड रिसर्च किया गया है और इसमें तमाम 6 प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें लोगों ने अपने अपने आंकड़े के अनुसार दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार के लोग ने कोर्सेज छोड़ दिए हैं। वहाँ पे आप अगर कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे कि ये सिस्टम आने के बाद 19,256 SC ST और OBC स्टूडेंट ने ड्रॉप कर दिया है, पढ़ाई ड्रॉप कर दी है। यहाँ पर हमारे साथ DU के प्रोफेसर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। मैम, क्या प्रोटेस्ट है और ये FYUP जो का रिपोर्ट कार्ड है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि 10 साल पहले हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लागू किया था ज़बरदस्ती, और बहुत ही ख़राब उसका कंटेंट्स भी था, स्टूडेंट्स का स्टडीज़ का बहुत डाइल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स ने एक साल में उसमें उसके खिलाफ रिबेल किया और टीचर्स ने भी रिबेल किया, तो उसको फिर 2014 में वापस ले लिया गया था। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंटेशन हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है। तो पहले सेमेस्टर सिस्टम 2010 में आया, उसके बाद ये FYUP 2012 में अप्रूव किया इन्होंने, 13 में लागू किया, 14 में वापस कर लिया, तो रिवर्स हो गया, फिर वो पुराना 3-year सिस्टम आ गया। उसके बाद फिर ये लाए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2015 में, और 2016-17 में लाए LOCF नाम का एक, और तब ज़बरदस्त एक लगातार एक जिस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, कोई भी सिस्टम का रिवाइज करते हैं, स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं, पूरा चेंज उथल पुथल हो जाता है, तो थोड़ा समय देते हैं कि उसमें ठीक से लोग सेट हो जाए, वो सिलेबस लोगों को समझ आए कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, टाइम लगता है ना। ऐसे थोड़ी कि अब हर दूसरे साल आप बदल दें। तो यहाँ पे लास्ट में LOCF जो आया था तो वो भी सेटल डाउन नहीं हुआ, तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स सेमेस्टर सिस्टम की वजह से ही, एनुअल सिस्टम बेस्ट था, बेस्ट था एनुअल सिस्टम ने, 2010 से हमने ज़बरदस्ती सेमेस्टर सिस्टम झेल रहे हैं, टाइम कम मिलता है उसमें, लेकिन फिर भी एक सिलेबस सेट हो गया LOCF का। अब इन्होंने कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, लॉकडाउन हुआ, 6-6 महीने गैप हो गया, एडमिशन लेट हुआ, सारे कैलेंडर्स उथल पुथल हो गए, तो स्टूडेंट्स का भारी नुकसान उस टाइम पे हुआ, सिस्टम स्टेबलाइज नहीं कर पाया, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ सीख नहीं पाए, सारे एग्जाम में कॉपिंग करके सारा रिजल्ट आ रहा था, इसलिए सीख नहीं पाए कुछ, है ना, क्योंकि मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन एग्जाम को, ओपन बुक एग्जाम को। बड़ी मुश्किल से हमने पिछले साल मतलब 2021 में फेब्रुवरी में लॉकडाउन ख़त्म करके पढ़ाई शुरू हुई, फिर भी कैलेंडर सब उल्टा पुल्टा था, तो हमने कहा था स्टेबलाइज हो जाने दो उसको, तो नया प्रपोजल आ गया था एकदम, जैसे कि ज़बरदस्ती लागू करना है कि आपको 4-year प्रोग्राम लागू करना है, और उसमें कोर्सेज भी पूरे बदल दिए, ये नहीं कि 3 साल में जो चल रहे हैं उनको रखो, 1 साल जोड़ दो, अगर आपको 4 साल भी करना चाहो तो 3 साल ठीक ठाक चल रहा है उसको चलने दो और 1 साल और जोड़ दो, उसमें एक्स्ट्रा करा लो, नहीं उन्होंने पूरा हुलिया ही उसका बदल दिया, A to Z पूरा बदल दिया, और उसमें इतने सारे ढेर सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के नाम से इन्होंने इतने सारे ठूस दिए जिससे स्टूडेंट्स कुछ सीख नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल टाइप के, और उसमें भी हमें चॉइस नहीं थी कि टीचर्स बताएंगे क्या सीखना है। अब जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट को कहा है कि आपको अगर वैदिक मैथ्स आप पढ़ा सकते हैं, अगर आपको पढ़ाना है तो वैल्यू एडेड कोर्स, उसमें क्या वैल्यू मिलती है, उसमें आपको रैशनल थिंकिंग मिलती है, क्रिएटिव थिंकिंग मिलती है, नहीं वो तो जो फॉर्मूला बनाया था कहीं आप वैदिक उसमें वो आप रट के आपको अप्लाई करना है नंबर थ्योरी टाइप का, तो उसमें कहाँ से वैल्यू आ रही है।
इस तरह से ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में कि पुडिंग कैसे बनाते हैं ये सब, अरे आप कुछ रेलेवेंट बताओ और ऐसी चीज़ करो जो हम भी पढ़ा पाएँ टीचर्स, और हमारा जो मेन कोर्स था उसको घटा के 75% से 50% कर दिया। यानी कि आप मैथ्स ऑनर्स करने आए हैं, आप पहले जो मैथ्स ऑनर्स का कोर्स था उसमें 75% कम से कम मैथ्स पढ़ते थे, बाकी 25% आप लैंग्वेज पढ़ते थे, आप एक जो सब्सिडरी सब्जेक्ट कहते थे जिसको जी ही कहते हैं लोग, दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ले लो, कुछ और ले लो, चॉइस होना चाहिए, वो पढ़ते थे, और इस तरह से एक आध और कोर्स। 75% से कम हमने कभी भी नहीं किया अपने मेन पेपर को, इस बार उन्होंने 75 से 50 कर दिया। यानी कि सारा टाइम बच्चे दूसरी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख नहीं रहे हैं। वही जो 2012-13 में लाए थे वही, उसमें 12 फाउंडेशन कोर्स थे जिसमें बच्चे स्कूल लेवल कोर्स करते थे, और उसने उन्होंने कहा कि हम कुछ सीख नहीं रहे, हमें फोकस नहीं हो रहा मेन सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट पढ़ना कोई आसान नहीं होता है, कॉलेज लेवल पे बहुत मुश्किल होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं, रॉ होते हैं, उनको हम लोग धीरे 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 फाउंडेशन ले करते हैं, उसमें पूरा उथल पुथल करके। अब फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या है कि उन्होंने मेन सब्जेक्ट का 3 पेपर और बाकी सब्जेक्ट का 4 पेपर, सारा टाइम उनका दूसरी सब्जेक्ट्स में, जिसमें 2 पेपर थे फाउंडेशन सॉरी वैल्यू एडेड कॉस्ट सो कॉल्ड और स्किल डेवलपमेंट कॉस्ट। अब मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स ने एक सेमेस्टर के बाद कहा कि मैम हम छोड़ के जाना चाहते हैं, हम बैंगलोर चले जाएंगे, IISc कहीं और चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर से शुरू कर, बोझ लग रहा है उन्हें, बोझ लग रहा था कि हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। रिजल्ट आके जो टॉपर थी उसने भी मुझसे यही कहा, और सीरियसली अप्लाई कर रही थी, मैंने उसको बहुत मिन्नतें करके मैंने रोक दिया कि देखो अपना एक साल बर्बाद मत करो, एक साल और एक सेमेस्टर और है, ये वैल्यू एडिट किसी तरह से कर लो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जो बाकी एक कम्युनिटी हमारा होता है उससे बहुत कुछ सीखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी सीखते हैं, बहुत कुछ होता है, तो अभी मत छोड़ो। तो उसको मैंने मना लिया, उसने छोड़ा नहीं, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स इतना डीमोटिवेट हो गए, बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। अब एक सेमेस्टर के बाद उनका एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा कि वो क्लास में नहीं आ रहे हैं। अब टीचर भी कितना पढ़ा लेगा, टीचर से कहा गया कि जो पेपर आप 5 पीरियड में पढ़ाते थे उसको 3 में कर दो, यानी कि आप उसका 20% रिडक्शन कर रहे हैं टीचिंग टाइम में, जबरदस्ती समझाना नहीं है बस कंप्लीट कराने को, जल्दी कराना है जल्द। 5 में भी मुश्किल से, मैं तो 5 पे नहीं करा पाती थी, मेरा फाउंडेशनल पेपर एक एनालिसिस तो मैं 5 का 10 कर देती थी, बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने ली, इस बार भी मैंने 3 का 6 कर दिया, लेकिन टाइम टेबल में जगह ही नहीं उनकी। मैं पूछती थी मैं कहाँ क्लास फिक्स करूँ, तो कहते हैं कि नहीं मैम उस टाइम पर तो हमें हमारा वैल्यू एडेड कोर्सेज का है, वो उसमें है इसमें है, तो हम कैसे पढ़ाएँ, तो कब पढ़ाएँ, बच्चे के टाइम टेबल में एक्स्ट्रा हम लेने के लिए तैयार हैं लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैम एक सवाल है कि जब BJP की सरकार आई तो 2012 में आपने जैसे बताया कि इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था कि इसे हटा देंगे, लेकिन बाद में क्यों इन्होंने अपनी ही बात से क्यों पलटे, क्यों लाया, मैं बता, मजबूरी क्या है इन्हें? शुरू शुरू में स्मृति ईरानी आई थी, हो सकता है कि उनको पॉलिटिकल पूरी पार्टी की इतनी समझ नहीं रही, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने एतराज किया, क्योंकि एक जो माफिया इंटरनेशनल माफिया हायर एजुकेशन पे कंट्रोल करके उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा था, जो पहले भी कई सरकारों ने पॉलिसीज में ये तब्दीलियां की, वो क्योंकि इंटरनेशनल ये दबाव है, जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया 90s में, उसके बाद 2005 में हमने GATS ट्रीटी में हायर एजुकेशन का नाम ऑफर कर दिया। GATS क्या है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, के हायर एजुकेशन एक कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस है, कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस मतलब मुनाफा, और उसमें अगर 130 कंट्री साइन कर रही हैं, मतलब 130 प्राइवेट प्लेयर्स पब्लिक प्लेयर्स साइन कर रहे हैं, तो आपको सबको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, अगर आप उन सबको सब्सिडी नहीं दे सकती है सरकार, तो अपने हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी सब्सिडी आप नहीं दे सकते। ये GATS ट्रीटी का एक इंटेग्रल हिस्सा था, और इसकी वजह से धीरे धीरे उनको फंडिंग कट करनी पड़ी। फंडिंग एक तो सब्सिडी हमारी फंड होती है, सरकार पैसा देती तभी तो हम टीचर्स की सैलरी दे पाते हैं। 95% ग्रांट पब्लिक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी सरकार से आती है, मेरी तनख्वाह यूनिवर्सिटी थोड़ी दे रही है, मतलब स्टूडेंट थोड़ी दे रहे हैं, वो सरकार दे रही है, तभी बहुत कम दाम में लोग बेहतरीन शिक्षा पा रहे थे। लेकिन इस सारी चीज़ को बदल में पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर लगा हुआ है, तो ये कई देशों में कामयाब भी हो गए, कई देशों में लड़ाई यूरोप में चली स्टूडेंट्स टीचर्स की, हम होने नहीं देंगे इसको, हमारी पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचा के रखेंगे, तो उनको सरकार को मानना पड़ा, नहीं तो ये दबाव जो है ये सारी सरकारों पे था। तो पहले ये UPA के थ्रू वो पॉलिसीज लागू करवा रहे थे, कपिल सिब्बल के ज़माने में,
6 बिल आए थे पार्लियामेंट में, हम लोगों ने लड़के उनको वापस कराया। अब तो अपना मुंह खोलोगे तो जेल में भेज दिया जाओगे। अब तो हम रिजिस्ट करना मुश्किल है, लोगों को आपस में लड़वाने में ये नई सरकार माहिर है। तो जब सरकार बदली 2014 में, गुंडागर्दी की सरकार गुंडागर्दी करी 2014 में जब सरकार बदली, तो शुरू शुरू में स्मृति ईरानी, जो हो सकता है उनको इतना नहीं मालूम हुआ दूसरे लोगों की तरह, उन्होंने हमारी बात का लॉजिक समझा, मैनिफेस्टो में रखा गया, लोग समझे थे हमारी बात क्योंकि पब्लिक इतनी इसके खिलाफ हो गई थी, तो मैनिफेस्टो में रखा। फिर वादा पूरा करना था तो वादा पूरा किया, लेकिन एक साल के अंदर रिवर्स कर दिया। खुद ही उन्होंने मुझसे कहा, स्मृति ईरानी ने, कि मुझे बताया जा रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाना है आपको। तो मैंने कहा कि उसमें तो चॉइस स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। तो कहती है लेकिन हमें तो यही बताया जा रहा है। दूसरे लोग पॉलिसी बना के ज़बरदस्ती लागू करा रहे थे, तो ये इंटरनेशनल फोर्सेज फिर NDA सरकार को इस्तेमाल करके उनके थ्रू उन्होंने सारे कुछ ये अपना चलाया। और क्लियरली इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं प्रॉफिट के, अंबानी अडानी जैसे लोग इसमें प्रॉफिट बनाएंगे, है ना, क्योंकि अब जिस तरह से आप ऑनलाइन करण हो रहा है पूरी एजुकेशन का, उससे इतना ज़्यादा करोड़ों रुपये कोविड के पीरियड में भी ऐसे लोगों ने कमाया। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। एक जरिया था कि ट्राइबल लैंड से आप मिनरल्स निकाल लो इलीगल माइनिंग वगैरह करके, उनकी सारी पूंजी उसके ऊपर बेस्ड है, तभी अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा उसको जेल में बंद कर दो, जैसे प्रोफेसर साई बाबा। और अब जो हो रहा है कि एजुकेशन में जो आवाज़ उठाएगा, चाहे वो हनी बाबू हो, चाहे वो आनंद टिलटमडे हो, चाहे हमारी पूरी हमारा पूरा ग्रुप है जो हम कमर्शलाइजेशन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो हम लोगों को विक्टिमाइज करो, स्टूडेंट्स को विक्टिमाइज करो। स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था, UGC का जो नॉन नेट फेलोशिप ख़त्म किया जा रहा था, तब वो मैसिव एक मूवमेंट चला था, तब कन्हैया वगैरह को जेल में बंद करा दिया। ये सब है कॉर्पोरेट जो हावी हो जाते हैं सरकारों पे, और वो सरकार उनकी बात पे पॉलिसीज बना रही है और जनता के लिए नहीं कर रही है। जनता को सस्ती और बेहतरीन शिक्षा चाहिए, तभी देश ऊपर उठेगा। लेकिन कॉर्पोरेट्स को क्या करना है कि बकवास शिक्षा दो, लोग सवाल करना पूछ दें छोड़ दें और पैसा बनाओ। तो ऑनलाइन एजुकेशन, और टीचर की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि टीचर पे खर्च होता है, तो टीचर की तादाद कम करो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग से चलाओ सारा कोर्सवर्क, और स्टूडेंट्स को अपनी मतलब डाइल्यूटेड शिक्षा दो जिससे पूरा कमर्शलाइजेशन करना आसान हो जाए। और तो जैसा कि आपने समझा, कि पूरी तरह से मैम ने समझाया कि कैसे सरकार अपनी मन मर्जी चला रही है, जिस पॉलिसी को सरकार ने सत्ता में आने से पहले बैन किया था, मना किया था, उस सेम को पॉलिसी को लाने के लिए आने सत्ता में आने के बाद इंडस्ट्री उन पर प्रेशर डालती है और वो सेम पॉलिसी बाद में थोप दिया जाता है, स्टूडेंट पर थोप दिया जाता है, टीचर्स पर थोप दिया जाता है, उनको रिकमेंड किया जाता है कि जो पीरियड आप 5 पीरियड में पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस, उसको आप 3 पीरियड में ख़त्म कर दीजिए, और स्टूडेंट को ये पढ़ना, ये सिलेबस बोझ लगता है और समझ नहीं पाते, उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। कैमरामैन बॉबी के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहिता।